नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल करनाल के जिले में गांव कैमला में किसान महापंचायत कार्यक्रम के दौरान हुए घटनाक्रम के लिए कांग्रेस व वामपंथियों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि ये लोग एक्सपोज हो गए हैं। जनता सब कुछ जानती है, किसान समझदार है और हमारे अपने हैं। उन्होंने कहा कि उकसाने वाले किसी वहम में ना रहे, वक्त आने पर जनता उनको सबक सिखा देगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आमदनी को दुगना करना चाहती है, परंतु कांग्रेस व कम्युनिस्ट किसानों को भ्रमित करके किसानों का ही नुकसान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून सरकार ने किसानों के लाभ के लिए बनाए हैं, कम से कम एक साल तक इनको देखना चाहिए। यदि कोई कमी लगे तो सरकार बदलाव भी कर सकती है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, किसी को उसकी बात रखने से जबरदस्ती रोका जाता है तो ये लोकतंत्र के उसूलों के खिलाफ है। वहीं आपको बता दें कि कैमला गांव में प्रदर्शनकारी किसानों ने किसान महापंचायत कार्यक्रम स्थल पर रविवार को जमकर तोड़फोड़ की, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर केंद्र के 3 कृषि कानूनों के लाभ बताने वाले थे। हरियाणा पुलिस ने किसानों को कैमला गांव की ओर से मार्च करने से रोकने के लिए पानी की बौछारें की और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। हालांकि पुलिस द्वारा किए गए सुरक्षा इंतजामों के बावजूद प्रदर्शनकारी किसान कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए और उस अस्थायी हेलीपैड को क्षतिग्रस्त कर दिया, जहां खट्टर का हेलीकॉप्टर उतरना था। कुछ प्रदर्शनकारियों ने हेलीपैड की टाइल भी उखाड़ दी। किसानों ने मंच को क्षतिग्रस्त करके कुर्सियां, मेज और गमले तोड़कर किसान महापंचायत कार्यक्रम को बाधित किया। इस दौरान पथराव भी किया गया। नाराज किसानों में मुख्य तौर पर युवा शामिल थे। उन्होंने मंच, टेंट और कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए स्पीकर क्षतिग्रस्त कर दिए। इन लोगों ने भाजपा के होर्डिंग तक फाड़ दिए और पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में बैनर उखाड़ दिए। मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील की कि वे बातचीत के माध्यम से अपनी बात रखें। उन्होंने आग्रह किया कि वे देश की परंपराओं में विश्वास रखें। श्री मनोहर लाल ने कहा कि मंडी अब भी है और आगे भी जारी रहेगी। किसानों को वैकल्पिक रास्ता दिखाया गया है। अगर वो मंडी से बाहर MSP से ज़्यादा कीमत पर अपनी फसल बेचना चाहें तो उनकी मर्जी है। उन्होंने कहा कि ये कृषि कानून कांग्रेस सरकार के समय से भी लागू करने के लिए प्रस्ताव रखा गया था, परंतु उनमें नया करने की हिम्मत नहीं थी। जब हमारी सरकार जनहित के लिए कोई नया कदम उठाती है तो वे सोचते हैं कि ये कैसे कर गए। इसके बाद इन पार्टियों के नेता लोगों को झूठ बोलकर उकसाना शुरू कर देते हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने उदाहरण देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने व नागरिकता कानून संशोधन जैसे मामलों पर भी कांग्रेस ने देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की, परंतु देश की जनता उनके बहकावे में नहीं आई और केंद्र सरकार के इन कदमों की सराहना की। उन्होंने कहा कि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में जिस लोकतंत्र की व्यवस्था की थी उसका कांग्रेस सरकार ने आपातकाल के दौरान उल्लंघन किया था, जिसके कारण देश की जनता ने उनको सत्ता से उखाड़ फेंका। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता दिन में सपने ले रहे हैं और वे सत्ता के लिए भिलक रहे हैं। उन्होंने विपक्ष को आग्रह किया है कि वे भोले भाले किसानों को उकसाने से बाज आएं। करनाल के जिला गांव में कैमला में किसान महापंचायत के दौरान हुए घटनाक्रम के लिए मुख्यमंत्री ने तथा कथित किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर कांग्रेसियों व वामपंथियों के हाथों में खेलने का आरोप लगाते हुए कहा कि चढ़ूनी द्वारा लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से उकसाया जा रहा है, वे किसान पंचायत नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे जनता के प्रतिनिधि हैं और लोगों के हित के लिए उनके बीच जाते हैं। उनको पता चल गया है कि कुछ लोग उक्त कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं, जिस पर जिला प्रशासन ने कुछ किसान नेताओं से बातचीत भी की। उन्होंने आश्वासन दिया था कि वे सिर्फ सांकेतिक विरोध करेंगे, कुछ गलत नहीं करेंगे, परंतु विपक्षियों के बहकावे में आकर प्रशासन से किया वादा तोड़ा, जिसकी मैं आज निंदा करता हूं। उन्होंने कहा कि आज के इस कार्यक्रम में मैं उनके पहुंचने से पहले भाजपा के नेताओं, किसान महापंचायत में मौजूद लोगों को कृषि कानूनों के बारे में समझा दिया था। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को अपेक्षा थी कि आज मुख्यमंत्री द्वारा विकास कार्यों की घोषणाएं की जाएंगी। करीब 100 करोड़ रुपए की घोषणाएं उसके गांव के लिए की जानी थी। प्राइम न्यूज 24 के लिए हरियाणा ब्यूरो की रिपोर्ट। लोगों को एक अपेक्षा थी कि मुख्यमंत्री आज आएंगे और उस इलाके के लिए कुछ ना कुछ विकास के कार्यों के नाते से घोषणाएं करेंगे। मुझे करनी भी थी। अब ये ठीक है कि वो घोषणाएं तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, वहाँ से भी कर सकता हूँ, कोई उसमें अंतर पड़ने वाला नहीं है। उस इलाके के विकास के काम के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए की योजनाएं आज मुझे जो वहाँ बतानी थी वो निश्चित रूप से फिर किसी मौके पर उनको बता दी जाएगी।
और तीन प्रोजेक्ट्स उनका उद्घाटन था 47 करोड़ रुपए का, वो भी वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने या तो कर दिया होगा, नहीं तो फिर किसी मौके पर ऑनलाइन उसका मैं उद्घाटन कर दूंगा। लेकिन कुल मिलाकर के आज के इस घटनाक्रम पर इतना ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश में एक स्थापित लोकतंत्र है, मजबूत लोकतंत्र है, और मजबूत लोकतंत्र में हमने ये पाया है कि हमें बात कहने का अधिकार सबको है, विपक्ष को भी है, पक्ष को भी है, जो भी अपना यानी राइट टू एक्सप्रेशन के अंतर्गत जिस प्रकार का संविधान ने अधिकार सबको दिया है उसकी हम पालना करते हैं। हमने कभी भी इन तथाकथित किसानों के, किसान नेताओं के जो वक्तव्य हैं उनको कभी रोका नहीं, उनके जो आंदोलन चल रहे हैं वो चल ही रहे हैं, और उसमें तो बल्कि वहाँ पर इतनी भीड़ होने के बाद, कोविड होने के बाद भी जहाँ वहाँ इतनी भीड़ है उसमें व्यवस्थाओं में बहुत से काम हमने किए हैं। हमने वहाँ स्वच्छता के नाते से, पानी के नाते से, वहाँ जो टेम्परेरी टॉयलेट्स हैं उसकी व्यवस्था की है, लाइट की व्यवस्था की है, वहाँ हेल्थ सर्विसेज को लेकर के मेडिकल फैसिलिटीज़ वो उनको दी हैं, तो ये सारे काम वहाँ किए गए हैं। लेकिन ये अच्छा नहीं कि कोई अपनी बात को कहना चाहे और हम किसी दूसरे का विरोध करें, ये लोकतंत्र का तकाजा नहीं है।